हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर अब तरक्की की राह पर, इच्छा शक्ति और जन सहयोग से आया बदलाव। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा है कि कभी पिछड़े समझे जाने वाले बाड़मेर जैसे जिले आज विकास यात्रा में आगे निकल चुके हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब शिक्षक, डॉक्टर, उद्यमी और अन्य लोग बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में काम करने के लिए दौड़ेंगे। इच्छा शक्ति, ईमानदारी से प्रयास, ईश्वर की कृपा, संतों के आशीर्वाद और जन सहयोग से ही यह संभव हो सका है। मुख्यमंत्री श्रीमती राजे शनिवार को बाड़मेर जिले के गुढ़ा मालानी में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब मन में इच्छा शक्ति और ईमानदारी से काम करने का संकल्प हो तो संसाधनों की कमी नहीं रहती और जब काम होता हुआ दिखता है तो लोग भी साथ आते हैं। हमें पूरी पारदर्शिता के साथ कुशल प्रबंध कर जनता का पैसा जनता के विकास कार्य पर ही खर्च किया है, बिना भेदभाव प्रत्येक जाति को गले लगाया है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली हमारी जिम्मेदारी है, विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाड़मेर जिले में सड़कों के विकास पर पिछले 4.5 साल में 6,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें से अकेले गुढ़ा मालानी क्षेत्र में 372 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा गुड़ा मलानी रतनपुरा लूनी 6 किलोमीटर आरओबी सड़क स्वीकृत की, यहां अब अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट या सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं। श्रीमती राजे ने कहा कि नर्मदा गुड़ा मलानी जल परियोजना क्षेत्र के 263 गांवों को मीठा पानी देने का काम जारी है। इसमें 115 किलोमीटर बड़ी पाइपलाइन के जरिए इन गांवों को पानी मिलेगा, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके जरिए प्रतिदिन 4.5 करोड़ लीटर मीठे पानी की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बाड़मेर रिफाइनरी की स्थापना की शर्तें जनहित में नहीं थी और उनके आधार पर राज्य पर 56,000 करोड़ रुपए का कर्ज का भार आने वाला था, जिसे हमने घटाकर मात्र 14,000 करोड़ रुपए तक ला दिया है। उन्होंने कहा कि 55 में रिफाइनरी का काम शुरू हो चुका है, जिसे मौके पर जाकर देखा जा सकता है। जल्द ही यहाँ पेट्रोलियम स्कूल शुरू होगा, जिसमें स्थानीय युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर पेट्रोलियम उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। तब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्यों से लोगों को इन कंपनियों को यहाँ भर्ती के लिए बुलाना पड़ेगा और प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की और उन्हें मिले लाभ के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थियों से मुलाकात करते हुए उन्होंने मीनाक्षी और अन्य बालिकाओं को चॉकलेट देकर लाड किया। लाभार्थी कृष्ण कुमार को मंच पर बुलाकर नरेगा, NFSA, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा में उसे मिले परिलाभों की जानकारी ली। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा मलानी की 20 बालिकाओं को साइकिलें भी सौंपी। श्रीमती राजे ने अपना संबोधन प्रारंभ करने से पहले सभा में उपस्थित संत वृंद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया, श्रीफल और साल भेंट कर उनका सम्मान किया। आज दिन तक भाइयों बहनों मुंह खोल के ये नहीं पूछा है कि महिला सुरक्षित है कि नहीं, ये नहीं पूछा है कि श्रमिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसान की ये दुख और दर्द है इसमें हम ये कर सकते हैं, कभी किसी गरीब के बारे में बात तक नहीं की। और आज चुनाव के 3 महीने पहले उनने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि हमें बड़ी चिंता है कि महिलाओं की क्या हो रहा है, हमें बड़ी चिंता है कि किसानों का क्या हो रहा है, हमें बड़ी चिंता है कि लाभार्थियों का क्या हो रहा है। अरे भाई और बहनों, मैंने लाभार्थियों को आपके सामने खड़ा इसलिए किया है कि आपको मालूम पड़ जाए कि उस लाभार्थी को वाकई में पैसा मिला है। आपको याद होगा इंदिरा आवास योजना एक स्कीम हुआ करती थी, उस इंदिरा आवास योजना के अंदर 3 किश्तों में पैसे मिला करते थे, एक किश्त मिल जाती, एक किश्त दूसरी किश्त मिल जाती, तीसरा किश्त कोई ना कोई अपने जेब में रख लेता। आपको सबको मालूम है कि कोई भी इंदिरा आवास पूरे नहीं हुए, किसी के आधे मकान नीचे का वो हिस्सा बन गया, किसी के साइड की दीवार बन गई, किसी का छत नहीं लगा, किसी की दो दीवारें नहीं लगी, ये तो इंदिरा आवास का हाल है। और अब गांव-गांव के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास योजना का काम हो रहा है, उनके साथ साथ सबको उज्ज्वला का गैस मिल रहा है। माता बहने, अब आप लोगों को कहीं भी आंखों के अंदर जो धुआं जाता था वो जाने की जरूरत नहीं है, और 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप फटाफट अपने परिवार को खाना खिला सकते हो, घर के अंदर धुआं
नहीं फैलता है। ये है इसका कमाल, जिसके अंदर प्रधानमंत्री आवास, जिसके अंदर शौचालय और जिसके अंदर हम लोगों ने गैस का इंतजाम कर दिया है। आज शौचालय बने हैं भाइयों, ये 50 साल में बन सकते थे, पूरे राजस्थान में 50 साल में 20 लाख बने और ये 4.5 साल के अंदर 85 लाख शौचालय बन गए हैं। हमारी महिलाओं को अपमानित रहने की जरूरत नहीं है, उसकी बेइज्जती अब नहीं होती, उसका शौचालय उसके घर के अंदर है, उसको बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है कि सब जनता ने साथ दिया है, उन्होंने परिवार जैसे हमको माना है और क्योंकि हमको माना है तो हम भी इनकी इज्जत करें, इनको गले से लगाए, 36 के 36 कौम की इज्जत को बना के इस राजस्थान को आगे ले जाने का काम हम करें। और इसी विश्वास के साथ और आपके प्रेम को उसके साथ बांधते हुए हमने आगे काम ले जाने का काम किया है। यहाँ राजस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कोई बच्चे हैं? अगर है तो यहाँ भेज दो कोई, लाओ लाओ जल्दी से। मैं आपके सामने एक को खड़ा करना चाहती हूँ जिसके दिल में छेद था। अब माता बहने, मैं भी माँ हूँ, मैं भी, मेरे भी पोता। बाड़मेर से दुर्ग सिंह की रिपोर्ट।